लेनी पड़ी। और प्लस मैं आज आपको आज बता देता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से ही, ये मैं पूरा इंडस्ट्री को बताना चाहता हूँ, जिस दिन ये दुबई से दिल्ली के लिए इंडिया के लिए आया तो भाई साहब इसके इतने थपेड़े पड़ने वाले हैं एयरपोर्ट पे ही, जो देखेगा वही पेलेगा इसको, वो जो देखेगा वही पेलेगा। आप देखना मेरे, आप ये 100% होने वाला है, जहाँ मिल जाएगा हिंदुस्तान में जिस किसी को भी मिल जाएगा, जेब जेब कतरा है, ये है वो है, मेरे पैरों में गिरा रहता था ये 50-50 हज़ार लाख लाख रुपए के लिए मेरे पैरों में गिरा रहता था, ये वो शख्स है। हम सोचते हैं चल ठीक है यार कोई नहीं, मदद कर दे, मदद के लिए ही आया था मेरे पास, 2013 में भी मदद के लिए आया था और लास्ट जब आया ये मदद के लिए आया। ये वो सांप है जिसको दूध पिलाओगे ना साला उसी को डसेगा। देखो क्या है कि ये वीडियो मेरे पुराने फ़ोन में मुझे मिला, मैंने बहुत पहले इसमें जब मेरे डिमांड की थी तो मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि मेरे को जिससे पैसे मांगे जा रहे थे जिस मूवी के लिए, उन्होंने बोला इसकी बात रिकॉर्ड कर लो, तो फ़ोन मेरे को मिल गया बाई चांस। तो मैंने देखा यार ये तो इसका अब इसको उजागर करने की, इसको देश के सामने दिखाने की ज़रूरत है, तो मैंने वो वीडियो डाला तो उसमें क्लियर उसकी बातें हैं कि कैसे वो बार्गेनिंग कर रहा है। नेगेटिव रिव्यू ना करने के लिए 25 लाख रुपए मांगे उसने, फिर बात करते 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 बता रहा है कि मेरी कंपनी है, मेरे खर्चे हैं भाई, ये है वो है, तो फिर वो 25 के 5 कम करके 20 लाख रुपए पे आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये सीधा सीधा मेरे से बात हो रही है और मैं ठोक के बोल रहा हूँ, अभी वो ट्वीट कर रहा है मेरे बारे में उल्टे सीधे, तो ट्वीट कर रहा है तो भाई तू मेरे से जिस मुद्दे पे बात है, जो मैंने तेरी वीडियो डाली है तो उस पे बात करना, तो उस पे बात करना, तू और बातें इधर उधर की घुमा रहा है कि दिल्ली का जेब कतरा है, ये दिल्ली के जेब कतरे से ही फटी थी उसकी, जब उसने मेरी फ़ोटो डाली थी ना सोशल मीडिया पे, जिसका मैंने उसके उस पर डेफिमेशन का मानहानि का केस किया हुआ दिल्ली में, दो केस है उस पर, एक सिविल केस एक क्रिमिनल केस, वो तो ये कोविड चल रहा है इस दौरान में बचा हुआ है, अदरवाइज तो भाई वो 100% तैयार की जेल खाएगा और या 1 करोड़ रुपये देगा, 1 करोड़ का मैंने ठोका हुआ उस पर दावा, 1.5 साल हो गया उसको दुबई दुबक के बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब है तू मुद्दे की बात पे तो एक बार भी नहीं आया, ना तो तूने वो डेफिमेशन के केस के पे आया, ना तो ये मैंने वीडियो डाली इस पे आया कि ये मेरी आवाज़ है नहीं है, मैंने बोला है नहीं बोला है, और तू कौन सा भाई, तेरी कौन सी कंपनी चल रही है जो तू कंपेयर कर रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया से, बॉलीवुड हंगामा से, इधर से उधर, ये बड़ी कंपनियाँ जो है प्रमोशन करती हैं, तू ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलिंग करता है, तो भाई तेरी ब्लैकमेलिंग की कंपनी है, उस कंपनी का तू अकेला CEO है, अकेला ही डायरेक्टर है और अकेला ही तू चपड़ासी है, तू साला कुछ नहीं है, तेरा एक कैमरा लगाता है, फ़ोन लगाता है और उस पर सामने भौंकने लग जाता है पक 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 पक, जो तेरे मुंह में कुछ ठूस देता है तो तेरा मुंह बंद हो जाता है, और जो तेरे मुंह में कोई ठूसता नहीं है तो फिर कुत्ते की तरह फिर जुबान टक 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 गंदा, जितना गंदा तू बोल सकता है, जो तू गंद से गंद उगल सकता है गटर से अपने वो उगलता है। तो ये तेरी प्रवृत्ति है, यही तेरी पर्सनैलिटी है। और KRK मुझे बोलता है सुअर, तो भाई वो दो पैसे की शक्ल वाले की एक बार शक्ल देख लो और मुझे देख लो, भाई सुअर कौन है कौन नहीं, और मुझे उससे पब्लिसिटी चाहिए, अरे सारे रोड छाप से मुझे पब्लिसिटी चाहिए ना भाई, ना ऐसी पब्लिसिटी से भगवान दूर बचाए, मुझे नहीं चाहिए उससे किसी भी प्रकार की पब्लिसिटी। मैं अपने आप में सक्षम हूँ, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ कोर्ट के माध्यम से, मुझे अपनी न्यायपालिका पर पूरा 100% विश्वास है कि वो मुझे न्याय दिलाएगी, और मैंने जो सच्चाई थी वो मैंने कोर्ट के माध्यम से रख दी है, और अब बाकी तो कोर्ट के हाथ में है, जो डिसीजन आएगा आपके सामने आएगा। और इस वीडियो में बात करें ना मेरे से, ये ठोक के बात करें ना 1-to-1, कहाँ तू फालतू की बातें पर लगा हुआ है, जेब कतरा है, ये है वो है, मेरे पैरों में गिरा रहता था ये 50-50 हज़ार लाख लाख रुपए के लिए मेरे पैरों में गिरा रहता था, ये वो शख्स है। हम सोचते हैं चल ठीक है यार कोई नहीं, मदद कर दे, मदद के लिए ही आया था मेरे पास, 2013 में भी मदद के लिए आया था और लास्ट जब आया ये मदद के लिए आया, ये वो सांप है जिसको दूध पिलाओगे ना साला उसी को डसेगा, ये वो सांप है। ओके सर, वो कहीं ये भी एक बात कही जाती है कि वो ये कहते हैं कि जो उनसे मना करते हैं कि भाई मेरा रिव्यू मत करें, आप तो मैं उनका रिव्यू नहीं करता हूं। तो, इस बारे में आपका क्या तो उसकी बातों में ही आ गया ना भाई, आप देखो वो बोलता है कि मेरे को लोग फ़ोन करते हैं कि मेरा आप रिव्यू ना करो, मतलब कहने का है कि रिव्यू ना करो बोलते हैं तो भाई अब पैसे नहीं मिले तो क्या करेगा, नेगेटिव रिव्यू करेगा, अब नेगेटिव रिव्यू करेगा तो बंदा सोचता है यार चल यार इसके मुंह में कुछ दे दे, 1-2 लाख 50 हज़ार, तो उसकी कुछ लोगों ने आदत ख़राब कर रखी है, पर भाई सब लोग ऐसे नहीं है, जिन्होंने अच्छा काम किया है वो मजबूती से अपनी फिल्में आती हैं, फुल सुपर हिट होती हैं फिल्में, इसके कहने और ना कहने तो हिट और ना हिट नहीं होती। बट ये जो पर्सनल जाता है ना, जो बॉडी शेमिंग की बातें करता है, फैमिली पे जाता है और बहुत सारी गंद उगलता है ना, चाहे वो एक्ट्रेस हों या एक्टर हों, इतने बड़े बड़े एक्टर, इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के लिए कुछ भी बोल देता है, इसके मुंह में ना जुबान पे ना लगाम नहीं है, तो भाई इसको तो कोर्ट जाना पड़ेगा, सजा लेनी पड़ेगी। और प्लस मैं आज आपको आज बता देता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से ही, ये मैं पूरा इंडस्ट्री को बताना चाहता हूँ, जिस दिन ये दुबई से दिल्ली के लिए इंडिया के लिए आया तो भाई साहब इसके इतने थपेड़े पड़ने वाले हैं एयरपोर्ट पर ही,
जो देखेगा वही पेलेगा इसको, वो जो देखेगा वही पेलेगा। आप देखना मेरे, आप ये 100% होने वाला है, जहाँ मिल जाएगा हिंदुस्तान में, जिस किसी को भी मिल जाएगा, हर बंदे की नज़र में है KRK बेटा, जहाँ तू मिलेगा ना इतने थपेड़े पड़ेंगे, मारेंगे ज़्यादा और गिनेंगे कम, ये ध्यान रखियो हिंदुस्तान में आने से पहले। ओके।